गरे सारे गरे सारे गरे सारे ग गप धप गप धप गप धप गप ध पद साध पद साध पद साध पद सा सारे घरे घर सारे घरे घर सारे साम सारे घरे घर सारे घरे घर सारे साम सारे घरे घर सारे घरे घर सारे घरे घर विशुद्ध सत्वम शांत विशुद्ध सत्वम बड़ी सुंदर स्तुति हाथ जोड़ते हुए विनम्र भाव से इंद्र कह रहा है, हे प्रभु आपका स्वरूप परम शांत ज्ञानमय रजोगुण तथा तमोगुण से रहित है, विशुद्ध अपराकृत में आपका स्वरूप है। हे नाथ आपकी माया ये समग्र जगत में व्यापित है, अने हूँ पण ई माया मा आवीने आ अभिमान करी बैठो, तो प्रभु आपे मारा ऊपर बहु कृपा करी कि मारा आ अभिमान ने मूड माथी ज आपे नष्ट करी दीधो। हे प्रभु आप ज मारा स्वामी छो, आप मारा गुरु छो, आप ज मारी आत्मा छो, हे प्रभु हूँ आपनी शरण मा छो। पश्चाताप साथे इंद्रे स्तुति करी क्षमा मांगी, भगवान मंद मंद मुस्कुराहट के माध्यम से इंद्र को क्षमा किया और फिर शिगिराज बाबा को यथावत स्थान पे पधरा दिया। सात दिवस श्री ठाकुर जीए गिरा धारण करीने राख्यू, श्री आचार्य महाप्रभु जी आज्ञा करे छे कि जीव ने सात जग्याए आश्रय होय छे, तो ए सात प्रकारना अन्याश्रय छोड़ावा माटे सात दिवस गिरा धारण करो। एक तो जीव देवताओं पर आश्रित होय, ऋषि ऊपर, पितृ पर, स्वयं पर, आत्मीय पुत्रादि पर जीवनी आसक्ति होय छे, वैदिक अनुष्ठानों पर, पारलौकिक यागादिक धर्म पर, तो आ सात प्रकारना अन्याश्रय ने छोड़ावा माटे सात दिवस प्रभुए गिरा धारण कर्यो अने यथावत स्थान पे पधराव्या। ने हवे तो बधा ब्रजवासीओ, अरे बाबा ये तुम्हारो लरिका तो कमाल को, यानी गिराज उठाई लियो, इतने दिना तक खड़ो रहो पर या कुछ श्रम भी नहीं भयो। एक एक ने तो पूछी कि बाबा जरा बताइयो तो सही कि ये तुम्हारो ही है ना छोरा। बाबा कहे अरे भैया ये कैसी बात कर रहे हो, हाँ ये मेरो ही है। नहीं हमको थोड़ो संशय है, तो यानी इतना बड़ो गिराज उठा लियो और बीच में वहां समय गर्गाचार्य जी भी आए थे ने, फिर एकांत में जाके बहुत सब बातचीत भई, तो हमको थोड़ो संशय है, आप बताओ आपको। अरे मेरो ही बालक है, हाँ बस एक बात मैंने छुपाई थी कि गर्गाचार्य जी जब आए थे तो उन्होंने कही थी कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, या के अंदर कभी कभार भगवत आवेश आ जाएगो और जब जब ऐसे आवेश आएगो तो ये बड़े बड़े पराक्रम करेगो, तो मुकु तो लगे कि आज या के अंदर आवेश आयो है।
ઠાકોરજી વિચારે મારી અંદર કોનો આવે શવાનો, હું જ તો ભગવાન છું. ઈ બ્રજવાસીઓનો ભાવ બધા માની ગયા કે હવે આ કોઈ આ સાધારણ છોકરો આ બાળક નથી. હા, બ્રજવાસી કહેવા લાગ્યા, અરે લાલા હમ તેરે સ્વરૂપ કો જાન ગયે, હમને એસો સુન્યો હે કે તુમ્હારો કોઈ એક એસો વૈકુંઠ ભી હોવે, વો વૈકુંઠ કી પ્રાપ્તિ હરેક કોઈ કો હો નહીં સકે, તો તુમ્હારે વો વૈકુંઠ કે દર્શન તો કરાવો. કે ચલો. और अब सब ब्रजवासियों को लेकर भगवान वैकुंठ में ले गए ने वैकुंठ ना दर्शन कराव्या ने आखू वैकुंठ फरी लीधा ने पछी हवे ब्रजवासियों के लाला चालो पाछा क्या बस ज्यांथी आव्या त्यां ब्रज मां के मारू आ वैकुंठ गम्यू नहीं तमने ना ना गम्यू तारू वैकुंठ सारू छे पण आपड़ा ब्रज जेवू नथी કેમ આમાં શું સમસ્યા છે કયો તો કંઈક સુધારો લાવું ના ના આ જોઈ લીધું પણ કેમ આ વૈકુંઠ એમને નથી અહીંયા આવતું ઘણા લોકો કેટલા તપો કરે યજ્ઞ કરે ત્યારે જઈને આ વૈકુંઠની પ્રાપ્તિ થાય હું તમને સીધો તત્કાલમાં લઈ આવ્યો અહીંયા વીઆઈપી કોટામાંથી તમે કહો છો હાલો પાછા નહીં પ્રભુ આ જોઈ લીધું તારું વૈકુંઠ એ આપણા વ્રત જેવું નહીં કારણ કે ત્યાં બ્રજમાં તો તું અમારા બનાવ્યા નિયમ પર ચાલે ને અહીંયા વૈકુંઠમાં અમારે તારા નિયમ ઉપર ચાલવું પડશે વૈકુંઠમાં તો અમને તારા આધીન રહેવું પડશે ને બ્રજમાં તો તું અમારા આધીન રહે છે તાહી અહિરકી છોહરિયા છછિયા પર છાછ પે નાચ નચાવે તો ફિર જહાં પે હે સુંદર શ્રી ગિરિરાજ બાબા નહીં જહાં પે શ્રી અમનાજી નહીં તો પછી એ વૈકુંઠમાં રહીને અમે શું કરીએ હરે કરું વૈકુંઠ હે જાઈ કહારે કરું વૈકુંઠ હે જાઈ જહાં નહીં નંદ જહાં યશો નહીં જલે યમુના કો નિર્મલ જહાં નહીં જલે યમુના કો નિર્મલ ઓર નહીં કદમ કી પરમાનંદ 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 પ્રભુ ચતુર ગ્વાલિની બ્રજ રસતજી મેરી જાય બલાઈ બ્રજ રસતજી મેરી જાય બલાઈ કહા કરું વૈકુંઠ
वैष्णव जन भक्त सदा ब्रजवास चाहें। जहाँ नित्य लीला है, जहाँ नित्य नूतनता है, नित्य लीला नित्य नौतन श्रुति न पामे पार, सदा ब्रज की चाह रखें। अने ये ब्रजवासी थवा माटे एटले ज आचार्य परंपरामां वर्षो थी एक ब्रज यात्रा नो प्रकार कि थोड़ाक समय वैष्णव ब्रज में वास करे, ज्यां प्रभु ने नित्य लीला छे, नित्य नूतनता छे, नित्य आनंद छे, ज्यां भूमि में जईने भक्ति तरुण बनी जाए। एटले प्राचीन परंपरा ब्रज यात्राओनो प्रकार आज सुधी जे चाली रह्यो छे, अने आप बधाने ख्याल छे आवता वर्षे 2018 मां दिव्याति दिव्य भव्य ब्रज 84 कोसनी यात्रा परमादरणीय पितृचरणना अध्यक्षता सानिध्यमा समस्त भावमयी श्रद्धालु वैष्णव माटे भक्तों माटे एक दिव्य अवसर के ब्रजवास करे, भावों ने तरोताजा करे, आनंद माने, सुंदर अवसर छे वैष्णवों जेनी वैष्णवों हमेशा इच्छा राखता होय, तो आ दिव्य अवसर नो हमणा थी मनोरथ राखजो कि नहीं आवता वर्षनी यात्रा में जवूज छे। खास आचार्य पीठ थी फरी एक वक्त आपने स्मरण करावीने ए ब्रज यात्रा नो हूँ आमंत्रण आपू छू, क्योंकि ये ब्रजवास दुर्लभ है, तो आचार्यों की कृपा थाय तो ब्रजवास, एकला एकला जाओ ने आचार्यों की साथे जाओ एमा बहु फरक छे। ये तो तमे आवशो अनुभव करशो, ये अनुभव नो विषय छे, शब्दों नथी। तो फरी थी एक वक्त स्मरण करावीने ब्रजभूमि ने वंदन दंडवत प्रणाम करीने आओ आगळ रास पंचाध्यायीनी कथामां आपणे बधा प्रवेश करीए। शिवल्लभाधीश की जय। और रास पंचाध्याय की कथा में हम प्रवेश करें, बड़े आनंद का विषय है, आनंद विषय छे। पितृचरण नो सानिध्य आपशीना दर्शन नो लाभ आपने बधाने मड़ी रहे हो छे। तो ये रास पंचाध्याय में प्रवेश करिए एना पूर्व सर्वथी पहला ब्रजाधीश जी लालन एक कंई कहवा माटे बहु आतुर छे, तो सौथी पहला आपणे लालन ने सांभळीशुं અને પછી પિતૃચરણને હું વિનંતી કરીશ કે આપ પણ આપના મંગલ વચનામૃતો દ્વારા આશીર્વચનો દ્વારા આપણને બધાને લાભાન્વિત કરે। તો ખૂબ શાંતિથી ધ્યાનથી સૌથી પહેલાં આપણે શ્રી વ્રજાધીશજી વરેણ્યમ કુમારજીને આપણે સાંભળીશું। શિવલ્લભાધીશ કી જય। શિવલ્લભાધીશ કી જય। શ્રી શ્યામ સુંદર શ્રી અમને મહારાણ કી જય। શ્રી ગિરાધરન કી જય। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय भूतगन्नमे रूपनामं विभेदेन जगत् क्रियते यो यदा। प्रभु नंद कुमारो मे स्वामी निर्विश्वानुजा कृतार्थोऽहम् 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 न संशय। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय भूतकन्दमे रूपनामं विभेदेन जगत्क्रियते यो यदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं सर्वमंगलकारिणी तिष्ठन्तु मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। नाशिनो वल्लभाधीशो
न च दृष्टा सुबोधिने नारादिराधिगानाथो रुधा तज्जन्म भूतले परापीरम न द्वार वपु कर्णयोग निकारम विभ्रवास कनक कपीशम वैजंतं चमालां रंधान वैनूरदय सुदया पूरयन गोपविंदै वृंदारण्यं स्वपदरननं प्राविशत गीतकीर्तिः सौंदर्यं निजजतकृतं प्रगतितं श्रीगूढभावात्मकं पुनरूपं च मूलस्थलं तरगतं प्राविविशासप्रिये संश्लिष्टावभयोर्बभु रश्मय कृष्णोय साक्षिकं पुनरूपं दत्तिर्यागमकं परमभिधेयं सदा वल्लभम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थाने मे धर्मस्य तदात्मानं सुरामनाम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परम पूज्य ताजी एवं बड़े दादाजी एवं पितृचरण के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। आज मैं भागवत जी की आज मैं अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ। कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना। श्री आज मैं श्रीमद् भागवत जी के विषय में कुछ कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनेगा। श्री भागवत जी की महिमा का पुण्य करते हुए वर्णन करते हुए ठाकुर जी ने अपने मुख से कहा है, यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद् भागवतम् भवेत् गच्छामि तत्र तत्र गौरथा सुधवस्सदाः। इसका अर्थ होता है कि ठाकुर जी अपने मुख से कहते हैं ब्रह्मा जी को कि हे ब्रह्मा, जहाँ जहाँ मेरी कथा होती है वहाँ वहाँ कोई जीव मेरी कथा को सुनने के लिए आता है तो मैं उसके पीछे पीछे भी चलता हूँ। जैसे गाय को अपने बच्चे से प्रेम होता है, ऐसे गाय का बच्चा आगे आगे चलता है, गाय पीछे पीछे चलती है। ऐसे कोई जीव मेरी कथा को सुनने के लिए जाता है तो मैं उसके पीछे पीछे भी चलता हूँ। तो ठाकुर जी को अपनी कथा प्रिय है। तो आप सब भाग्यशाली हैं कि आप सब श्री भागवत जी सुनने आते हो। भागवत जी में निरोध लीला भी आप श्रवण कर रहे हो। निरोध लीला निरोध का स्वरूप बताते हुए श्री महाप्रभु जी ने निरोध लक्षण खंड की रचना करी थी, करी है। श्री महाप्रभु जी ने निरोध लक्षण खंड की रचना कर श्री महाप्रभु जी पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए द्वारका पधारे। वहाँ उनके सेवक राजा दुबे और माधव दुबे भए और उनको कही कि सब जगह सुमन हटाकर निरोध पूर्वक ठाकुर जी की सेवा करियो। तो राजा दुबे और माधव दुबे ने कही, कृपानाथ निरोध का होवे, निरोध का स्वरूप का होवे। तो श्री महाप्रभु जी ने निरोध लक्षण ग्रंथ की रचना करके उन दोनों उनको पाठ करायो और कही, तुम दोनों भैया उनको निरोध सिद्ध होएगो। श्री महाप्रभु जी की कृपा सु वो दोनों भैया उनको निरोध सिद्ध हुओ। श्री महाप्रभु जी ने निरोध लक्षण ग्रंथ में बतायो है निरोध यानी क्या। निरोध यानी प्रपंच की स्मृति, जैसे खाते पीते सोते जगते उठते बैठते हर समय
ठाकुर जी का स्मरण बना रहे, उसका नाम है निरोध। तो हमको भी ठाकुर जी की सेवा करने से और सर्व वस्तु सर्वाप्रहण करने से यह निरोध सिद्ध होता है। तो हम भी श्री महाप्रभु जी के चरण में ऐसे ही विनती करते रहे कि हमको भी ठाकुर जी की सेवा कर सू और सर्व वस्तु समाप्रहण कर सू, यह निरोध सिद्ध होवे। शिवल्लभाधीश की जय, श्री श्याम सुंदर श्याम ने महारानी की जय, श्री गिरा।